एपिसोड ऑफ जीतेगा पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन. मैं हूं आपकी होस्ट मीशा इमरान और मेरे साथ मौजूद है नसीम राजपूत, अ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एंकर ऑफ पाकिस्तान. इस वक्त 19th मैच खेला जा रहा है बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स. लेट्स सी इफ कराची किंग्स आर एबल टू मेंटेन देयर विनिंग स्ट्रीक और मुल्तान येट अगेन प्रूव टू बी द सुल्तान. क्या लग रहा है 102 किंग्स तो सुल्तान दूसरी बात ही नहीं है इसमें तो आपको पता है एक अड़ी है. आप स्कोर देख ले ना अभी 102 for 6. इस वक्त जो चार ओवर बाकी है उसमें खड़ा हुआ कौन है क्रीज पे? शाहिद आफरीदी अभी दो बॉल खेलेंगे आउट हो जाएंगे. नहीं नहीं अभी तो बहुत बना चुके हैं 35 बनाए 35 और 17. और इस पिच के ऊपर देखें शाहिद खान आफरीदी का मुझे याद है जिस पिच पे बड़े बड़े बैट्समैन नहीं चल रहे होते थे ना ये वहाँ जाके सेंचुरी स्कोर करके और मैच जिता के आ जाते थे. एक दफा यूबीएल पे मैच हो रहा था मुझे अच्छी तरह याद है पहली इनिंग में टीम 80 पे आउट हुई. इनकी टीम जो है वो जो शाहिद आफरीदी की टीम थी वो 40 पे आउट हो गई. इतना ऐसी पिच थी उस सामने वाली टीम ने कोई 150 रन स्कोर किए. अब इनके पास तकरीबन कोई 190 का टास था. लाला ने इधर उधर बल्ला घुमाया 115 रन स्कोर किए और मैच जीत के चले गए. जिस पिच पे कोई नहीं खेल पा रहा था उस पे लाला खेलते. इसलिए जरा अभी मैच बाकी है लेकिन जीतेगा फिर भी कराची किंग्स. बिल्कुल नहीं नहीं वो तो अभी मैच तो होने ठीक है. आज हमारे गेस्ट बहुत सारे हैं तो जरा बता दो करेंगे ना. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट. फर्स्ट अप ऑन माय राइट आई हैव मिस्टर इकबाल मोहम्मद अली खान. ही इज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. देन वी हैव जफर इकबाल. ही इज अ फॉर्मर क्रिकेटर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. देन वी हैव तसद्दुक शेरवानी. ही इज द डायरेक्टर ऑफ टोयोटा हाईवे मोटर्स. थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे तसद्दुक. देन वी हैव मुसद्दिक शेरवानी. ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ टोयोटा हाईवे मोटर्स. थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे. देन वी हैव राफे सफदर. ही is a first class cricketer. Thank you for joining us, Rafi. Then on my left, yes, it's current. Okay. Obviously current. No. Okay, Rafi. Rafi is a very good player. Then we have tez fast bowler. हाँ तौकीर खालिद फास्ट बॉलर भी और स्पोर्ट्स एंकर भी. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. दोनों बहुत फास्ट हैं जी. देन नेक्स्ट अप वी हैव सैयद महबूब आलम. ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ अल सैयद स्पोर्ट्स कमेटी. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. एंड देन लास्टली बट इक्वली इंपॉर्टेंट वी हैव मिस्टर आगा साबिर. ही इज अ करंट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. करंट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर. इकबाल भाई बहुत अच्छा लगा आज आप शो में. लेकिन आज आसान मनी बच के निकल गए आपसे. यार आज मीटिंग थी मेरी तबीयत 3-4 दिन से वो सही नहीं. जब आप पहुंच जाते हैं वो गायब हो जाते हैं. बस आज इत्तेफाक है कि बस ये हो गया वरना तो अब क्यों मतलब नहीं 11 को आ जाएंगे. 11 को हमने मीटिंग में बुलाया. अकाउंट कमेटी की मीटिंग जो है उसमें बुलाया हूँ. और जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिट जनरल की पीसीबी की स्पेशल रिपोर्ट पीएसएल 1 और 2 की जिसमें तकरीबन मिला के सवा सौ अरब से ज्यादा का घपला है. लेकिन मैं बात ये करूँ कि वो जो आप पहले 2 पीएसएल की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो तो नजम सिटी साहब के दौर में. जिसकी भी हो हमें उससे कोई खर्च नहीं कि चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो पिछली जिस एहतसाब करने एहतसाब. लेकिन आज एहसान मनी साहब ये क्या बात कर रहे हैं कि ऑन कैमरा ब्रीफिंग और ये क्या. ये बात जो है ना पता नहीं क्यों कर दी कि या तो फिर या सिक्योरिटी रिस्क है पीसीबी जो है. किस बात कि इन मैं यही तो पूछना चाहता हूँ. मैं नहीं था ना मैं यही तो पूछता कि इन कैमरा ब्रीफिंग क्यों. और दूसरी बात उन्होंने ये की कि पीसीबी जो है पाकिस्तान के अंडर में नहीं आता है. गजट नोटिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान का होता है. उसके अंदर सारी चीज लिखा हुआ है कि पीसीबी जो है पाकिस्तान की वो है. अगर नहीं आता है तो मसला ये कि सवाल ये भी करना होता कि आपके पास जिसने स्टेडियम बने हुए कमर्शियल एक्टिविटीज भी उसके अंदर है तमाम चीजें तो वो पाकिस्तान की मिलकियत है. आपकी बीसीबी की जाती मिलकियत तो नहीं है वो. तो उसके ऊपर भी सवाल उठने थे. बहुत सारी चीजें थी कि अब उनसे भी सवाल किया गया जी आप कह रहे हैं. लेकिन इकबाल भाई पाकिस्तान का कोई भी इदारा जो आप सेल्फ जनरेट करता हो अपना फंड इसका मकसद है कि वो पाकिस्तान से और कोई मसला ही नहीं रहा. वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया. अगर मैं पैसा कमाता हूँ और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो इसका मकसद ये हो गया कि मुझे मैं किसी को जवाब दे ही नहीं हूँ. यही तो कहने का मकसद है कि आप जवाब दे हैं क्योंकि आप अभी पीएसएल हो रहा है ना आपके सामने. आप टिकट आपके पास है एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है सब कुछ लगा हुआ. कौन दे रहा है ड्यूटी टैक्स कौन दे रहा है. पब्लिक आवाम दे रही है ना जी. जब आवाम दे रही है तो फिर सारी चीजें आवाम की है. फिर फ्लैग आप लगाते हैं पाकिस्तान का. पीसीबी का कोई फ्लैग है क्या? नहीं है ना कोई. तो जब पाकिस्तान के फ्लैग के उसके ऊपर तो फिर आप इस चीज की जो है ना ये बातें करना है कि जी पाकिस्तान के उसमें वो नहीं है और ये नहीं है ये चीज गलत वो है.
कि आप इस चीज को गलत कि हम खुद फंड जनरेट करते हैं कि और कहते हैं कि हम हुकूमत को देते हैं। बताएं ना कितने स्टेडियम आज तक बना दिए इन्होंने, हैदराबाद का स्टेडियम पड़ा हुआ, अभी ये स्टेडियम जो इन्होंने रेनोवेशन कराई है इसके अंदर भी कितना पैसा लगा दिया आपने। तो वो सारी चीजें जो है देखें, मैं वही बता रहा हूँ, जाके हालत देखे ना। मसला ये फिर आपने एनसीए बना दिया, एनसीए बना दिया यहाँ पर हमारी एक कोच है कराची जैसा बड़ा सेंटर, देखिए यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग नहीं हुई। ये भी हमारी जो मिनिस्टर साहब है ना, ये स्पीकर थी उस वक्त, ये मैंने इसके ऊपर बोली थी, हाँ फहमीदा मिर्जा साहब है स्पीकर थी, मैंने उनकी रूलिंग ली थी ये कि मैंने कहा तमाम और बेजारानी साहब मरूम वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, मैंने एक वो जो कोच अपना एनसीए बना हुआ है, मैंने एक है वो भी लाहौर में, मैंने पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं, कराची में भी क्वेटा में भी, मैंने पेशावर से एक लड़का चलता है बेचारा, ऐसा होता है कि उसको आप सीधा लाहौर आना होता है, अगर वो सिलेक्शन अंडर 19 या उसमें आ गया तो वो भी, तो ये उस वक्त उन्होंने रूलिंग दी थी जिस मिनिस्टर साहब को खड़ा करके पूछा भाई क्या बात है, इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं उन्होंने कहा फिर और जगह भी बनाई जाए, फिर उसके बाद यहाँ बनी मुल्तान का, फिर वो हुआ बनी फिर, तो सही बनी तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आप देखें फिर यहाँ पे जो है, आप चले जाएं किसी दिन अपना कैमरा लेके जाएं और जाके दौरा कर लें, वहां जो बैठे हुए जो इस वक्त एकेडमी के मैनेजर हैं उनसे पूछे यार आपके इख्तियार क्या हैं, वो कहते हैं दो पेंट के लिए तो हमें लाहौर फोन करना पड़ता है, तो क्यों बना गए इसके ऊपर, हमने सवाल करना था, ये भी सारी चीजें। बहरहाल अब ये सारी चीजें जो है ना सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह 11 तारीख को जो ऑडिट की रिपोर्ट है उसके ऊपर सारी चीजें होनी है, क्योंकि ये जितने बाकी जो है ना हारून रशीद और ये और वो जितने भी जो पुराने हैं वो सब उस रिपोर्ट के अंदर हैं, एक एक चीज जब जितनी पीएसएल 1 और 2 जो हुई है वो कहाँ हुई है, दुबई में सारे जो चीजें हैं वो सारी उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। और उसमें एक चीज ये भी है कि इन्होंने अभी भी मानी साहब बैठे हुए, इन्होंने अभी भी जो ऑडिट की टीम गई थी उससे जो है ना क्या कहते हैं उनको बहुत सी चीजें नहीं दी, यानी कि 79 एनेक्चर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही उसके वो नहीं है कि उसके अंदर कोई इन्होंने कॉपरेट नहीं किया उसके साथ, मगर उसके बावजूद उन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, इनसे दोबारा करवानी है सारी। अभी जो आप 11 तारीख की मीटिंग पे मैं आता हूँ आपसे बात करता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या होगा। जफर भाई ये जो आज एहसान मनी साहब पहुंचे, एक बात मैं और कर दूं, एक हमारी क्वेटा की एक रहने हैं उन्होंने कह दिया कि देखिए पीएसएल हो रहा है और हमें आपने कोई ऐसी कह दिया पास नहीं दिया, कहले नहीं मैं मानी साहब के आपके टीवी से पूछना चाहता हूँ, कहते हैं कि मैं आपको अपनी जेब से टिकट दे दूंगा, भाई आप कौन होते हो जेब से टिकट देने वाले यार, वो तो एक मजाकन उसके कह दिया कि इस्लामाबाद में इस्लामा पिंडी में मैच हो रहा है आप हमें भी पास दे देते, कमेटी को पास दे देते, तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं अपनी जेब से, जिसपे वर्कआउट करके सारी बड़ा शोर हुआ उसके ऊपर कमेटी ने, हाँ फिर वर्कआउट किसी कमेटी मेंबर से भी, क्योंकि आखिर आपके पास हर चीज की अपडेट है, आप यहाँ पे बैठ के जो बात कर रहे हैं एक ऑथेंटिक है, लेकिन मैं चाहता हूं जरा अगर 11 बजे के बाद अगर कोई आ सकता है आपकी कमेटी का मेंबर तो हम ट्राई करेंगे। जफर साहब ये जो अभी इतनी सारी बातें की कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मधु करना पड़ता है, एहतसाब की बातें हो रही होती हैं कि इतनी करप्शन हो गई 100 अरब से ज्यादा की करप्शन, इट्स नॉट अ जोक, एज ए फॉर्मर प्लेयर इस वक्त पैसा जितना आ गया किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट को कि हम अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को तरस रहे इस पीएसएल के अंदर के कोई एक दो तो नजर आ जाए हमें कि हाँ यार ये तो खेलेंगे वर्ल्ड कप, इसमें तो कोई शुभा नहीं है, खेलेंगे तो ऐसे वही जो पहले खेल रहे थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही, एट द सेम टाइम करप्शन के इल्जाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना कभी गरीब था ना कभी गरीब होगा और कोई चांस ही नहीं है, आपका सबसे मुनाफे बख्श इदारा है, इतना पैसा है एक बात देखे पाकिस्तान में तीन उठेंगे नहीं आप ये बता दूं मैं, पाकिस्तान में तीन बड़े इदारे तीन बड़े बड़ी पोस्टें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और तीसरी पोस्ट है पीसीपी जिसके पीछे सब लगे हुए हैं, नॉट सीनेट सेनेट चेयरमैन ना कुछ नहीं अच्छा नॉट इवन कौमी असेंबली के स्पीकर, बजट क्या है कुछ भी नहीं, क्या है इनके पास अरबों रुपए, इनके फॉरेन अकाउंट्स पूछ लेना,
मैंने तो पिछली मीटिंग में जब व्हाट्सएप और वो थे, मैंने सेठी साहब से मैंने फॉरेन अकाउंट तो बताए आपने कितने, पहले एक मैंने कहा एक तो आई नहीं, मैं बताऊं आपको कितने। लेकिन एहतसाब की उम्मीद रखे या हम छोड़ दें? देखे मसला ये है कि तो करना पड़ेगा ना यार, अब तक तो किया कुछ नहीं, मतलब अभी तक तो हो रहा है ना एहतसाब, जैसा भी हो रहा है पिक्चर सबकी सामने आ रही है ना, हर एक सामने आ गया कि जो इस मुल्क की इस वक्त जो हालात माशी हालात है ये वही तो है सारा। अभी आपके सामने बिल्डिंग गिर गई, ये बिल्डिंग है सामने, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अभी आपसे कहता हूँ कौन सा नक्शा पास कराना है, देन जहाँ 1,00,000 रुपए रखता है 4,00,000 रुपए थे आज पास कर देंगे। जिस दिन आपने अकेडमी से जो आपने मीटिंग से जो वॉकआउट किया था उसके बाद एहसान मानी साहब ने आपको कॉल की, मुझे कॉल की थी आज नहीं आना, ये तो नहीं बोला गई वो कोई ऐसी बात तो आज नहीं आना, कोई ऐसा फोन तो नहीं आ गया? नहीं ऐसा नहीं, बस वो आज अच्छा हुआ। लेकिन अब 12 को जो है ना, आप तो आए हो ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कोई छोटा आदमी नहीं है, सारे टॉप के बैठे हुए, जिस पार्टी के भी इजलास में शिरकत, सारी पार्टी में टॉप के लोग बैठे हुए, क्योंकि 11 तारीख को है ना नेक्स्ट मंथ, इस महीने की अभी मैं यहाँ से शोक छोड़ के कैसे। अच्छा, इस डिस्कशन को हम जारी रखते हैं, लेकिन इसका खासियत ऐसा नहीं है कॉल पे जी, चले ऐसे इनको बाद में लीजिएगा, बाद में लेते हैं जी। जफर भाई आज का मैच पे आते हैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि अब थोड़ा मैच पे आते हैं, फिर आगे भी इस पे बात करेंगे। लेकिन मैच ओवरऑल जिस तरीके की पिच थी, अब वेदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इस वक्त पीएसएल को? वेदर तो डिस्टर्ब करेगा क्योंकि फोरकास्ट आपकी रेन थी, लेकिन ग्राउंड स्टाफ जो है वो जिस तरह मेहनत कर रहा है, आई मीन कमिटेड है वो, कि किसी भी तरह मैच होने चाहिए, और क्रेडिट गोज टू ग्राउंड स्टाफ ऑलवेज ऑलवेज। और आज की पिच भी जिस किस्म की है, लग रहा है कि ये बड़ी उजलत में बनाई गई है, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला होगा, तो उम्मीद है कि आज का मैच भी हो। लेकिन जब एक दफा बारिश शुरू हो जाती है, और ये कोई लाहौर में, वो भी पंजाब में जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, बारिश अगर रुके तो फिर उम्मीद है कि मैच शुरू होगा, और मैच शुरू होगा तो लाला दोबारा एक्शन में आएंगे, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है कि यहीं पे इनिंग खत्म कर, 16.5 हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अब उनको कितने ओवर्स में टारगेट चेस करना है ये देखना होगा भाई, तमाम चीजें तो अगर उनको 12 ओवर मिल जाते हैं तो एडवांटेज चला गया वहाँ कराची किंग्स को कहीं ना कहीं, क्योंकि 4 ओवर खेल रहे हैं, 12 ओवर रन भी तो आपके वो आपके स्पिनर, दोनों स्पिनर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इमरान ताहिर भी, शाहिद खान आफरीदी भी, और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट, मोइन अली। तो इस पिच के ऊपर जहाँ पे अहमद वसीम इतने इफेक्टिव थे, उमर खान इतने इफेक्टिव थे, तो फिर ये भी बहुत इफेक्टिव होंगे। वैसे ये जो दोनों टीमें, अगर बारिश हो जाती है मिसाल के तौर पे, तो ये दोनों टीमें इस वक्त जिस पोजीशन में दिखाई दे रही हैं, इन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये ब्लेसिंग के तौर पे भी ले सकती हैं दोनों टीमें, क्योंकि टॉप कॉर्डन में इसमें जो अगर बारिश हो जाती है तो मेरे नज़दीक अभी जो सूरत हाल है तो मुल्तान को ही फायदा पड़ेगा, क्योंकि मुल्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, और अगर मैच होता है तो मुल्तान के पास ऐसे स्पिनर्स हैं कि वो कैपिटलाइज कर सकें, जिसमें जैसे जफर साहब ने कहा मोइन अली और शाहिद आफरीदी और साथ साथ इमरान ताहिर, तीनों अच्छी फॉर्म में, कोशिश करेंगे कि मुल्तान वाले, पहली चीज़ तो ये कि मैच होना चाहिए, शायकीन जो आए हुए हैं लोग यहाँ बैठे हुए हैं हर जगह, तो मैच होना चाहिए, रिजल्ट है यही पीएसएल का फायदा है, और यही होना चाहिए रिजल्ट है मैच का। मुसद्दिक से भी ये वाली बात हम जानेंगे, मुसद्दिक ये भी कितना अच्छा है कि पिंडी में भी बारिश हो रही थी कल, लेकिन क्राउड बैठा हुआ था, और जैसे ही मैच शुरू हुआ है क्राउड भर गया, लाहौर में भी यही सूरत हाल थी कि बारिश हुई, कल सारा रात बारिश हुई है, थंडर स्टॉर्म था, लेकिन उसके बावजूद इतना भरोसा था कि ग्राउंड स्टाफ, और मैच हो ना हो लोगों की ख्वाहिश कितनी है मैच देखने की कि पहुंचे स्टेडियम। ग्राउंड स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है कि पिच को कवर किया है और पानी जल्दी से जल्दी निकाला ताकि मैच हो लास्ट में भी, और तमाशा ही तो बिल्कुल, पीएसएल पहली बार हो रहा है इनके अपने होम ग्राउंड में, तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्टर्स। लाहौर में तो खैर मैचेस हुए, लेकिन पिंडी और मुल्तान में तो कमाल कर दिया क्राउड ने, जितनी बड़ी तादाद में पहुंचे, स्पेशली मुल्तान ओवर 80,000 स्पेक्टेटर्स, ये वाकई में रफी बहुत अच्छा साइन था कि हमारे तमाम ग्राउंड्स भरे हुए थे, जो पैगाम हम देना चाहते थे सारी दुनिया को वो देने में कामयाब हुए। हाँ जी, देखें ये बहुत अच्छी, हमने एक चेंज देखा है कि इनिशियली शुरू के 2-4 मैचेस के अंदर इतना क्राउड नहीं आ रहा था ग्राउंड में, मगर उसके बाद जो हाइप हम क्रिएट करना चाह रहा था पीसीबी वो हुई, दिन के मैच में नहीं था, रात में हो गया था, क्योंकि शुरू में 2-2 मैचेस भी थे, राइट, ये भी है वजह, मगर वेदर थोड़ा खराब भी रहा, मगर ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मुल्तान से लेके अलपिंडी में,
हर तरफ। मैं बात करना चाहूँगा जो आज आमिर ने स्टार्ट दिया है बॉलिंग के अंदर, और उसके बाद जिस तरह स्पिनर्स ने बैक किया उनको, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही कराची की आज। तो आमिर के लिए पिच भी बहुत आइडियल थी आज, स्पिनर्स के लिए भी बहुत मौका था। स्पिनर्स के लिए भी आज टॉस कितना क्रूशियल हो गया था? आप बिल्कुल देखें, टॉस यूजली मैचेस में क्रूशियल रहा है, ठीक है, मगर अगेन इसी पिच पे अब जब आफरीदी आए तो पहली बात ऐसा लग रहा है आफरीदी और मेच्योर हो गए, बिकॉज हर कोई चला चला के आउट होके जा रहा था, मगर आज आफरीदी का दिन है। आई होप वो बॉलिंग भी अच्छा करें। इम्प्रेसिव हिटिंग उनकी तरफ से, मतलब जो भी उन्होंने मारा वो मतलब चांस नहीं दिया अभी तक ऐसी पिच पे, शायद ही रन करते, कोई दूसरा नहीं करता। देखिए जिस तरह की ब्रेक विकेट्स है ना, इसके ऊपर आपको स्वीप, रिवर्स स्वीप, ये टेढ़े जो शॉट्स होते हैं ना, ये रन स्कोर करते हैं, काम आते हैं, काम आते हैं। अब जैसे खुजल शाह ने जहां पोजीशन बुरी थी, मतलब पांच आउट हुए थे, आके फिर वो चार छह रन किए, फिर हिट मार दी। इस तरह नहीं होता, आपको वर्ल्ड कप वर्ल्ड टी20 के लिए प्लेयर अपने आप को सिलेक्ट कराना है, तो आपने दिखाना है कि जिस जब आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करें, आप दिखाएं अपनी क्लास, दिखाएं जाके कि यार जहां दूसरे मिस्टेक्स कर रहे हैं मैं वहां करके दूंगा। पाकिस्तान का वो प्लेयर चाहिए, पाकिस्तान को वो प्लेयर नहीं चाहिए जहां जिस दिन सब चल रहे हैं उस दिन मैंने भी 20-30 कर दिए। चले तौकीर से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन महबूब भाई तौकीर भाई से बात कर लेते ना, ही इज हियर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निशा, आपको और नसीम भाई को, तमाम हमारे मेट्रो न्यूज पे जितने भी मुआज़िब शहरी बैठे हुए हैं, पैनल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, बात करें। अच्छा जी, अभी जो अब मैच चल रहा है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, अभी रेन की वजह से डिले हो गया, क्या लगता है कि डिले हुआ किसके फेवर में जा रहा है मैच? देखिए अभी मेरे अपने जराए बताते हैं, अभी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये बारिश अभी और होगी, जराए के आपके ऊपर बैठे हुए अपने जराए बताते हैं, वसीम अकरम साहब अभी गए थे और बारिश रुक चुकी है, और जब तक वसीम अकरम यानी कि बारिश भी रोक देते हैं भाईजान आपके? नहीं नहीं नसीम भाई, बड़ी इम्पोर्टेंट है, अभी लेटेस्ट अभी बात हुई, और मैं आपको क्योंकि आपकी खूबसूरती और हमारे प्लेटफॉर्म की खूबसूरती प्रोग्राम में बताना इसलिए जरूरी है, और मैच के हवाले से हम डिस्कस रहे हैं कराची और मुल्तान के हवाले से, और बारिश रुक चुकी थी और उन्होंने जाके बात की और उन्होंने कहा मैच शुरू कराया, और जिस तरह की पिच पे इस पिच पे छठा मैच खेला जा रहा है, जिस पिच पे छठा मैच खेला जाए और जिस पर कवर ढके हुए हों और ब्रेक भी हो रहा हो, जब इससे अंदाजा लगा रहे हैं अम्माद वसीम जिनका बॉल ही ब्रेक नहीं होता, जब उनका ब्रेक हो रहा हो और जिस तरह शान मशहूर इसी मुश्किल पे खेल रहा हूँ, तो पिच को देखते हुए तमाम सूरत हाल को देखते हुए पिच को बहुत मुश्किल करार दिया जाता है शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में, जिनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो, शाहिद आफरीदी, इमरान ताहिर, मोइन अली, तो यहाँ पर तो मैच जो है लो स्कोरिंग और बारिश की वजह से जो शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट एक अच्छा मैच हम देखना चाह रहे थे, हेडक्वार्टर लाहौर जो कजाफी स्टेडियम है, जो खूबसूरत यहाँ फाइनल खेला जाएगा, उससे पहले इस तरह की सूरत हाल तो हमारा इसमें हम कुछ यानी आप ये कहना चाह रहे हैं साजिद साहब के अभी पिक्चर बाकी है, अभी मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में बहुत कुछ होना है। बिल्कुल नसीम भाई, जिस तरह पिक्चर बाकी है, ग्रेट होस्ट इस तरह प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, खूबसूरती को इस तरह आगे बढ़ाया जाती है, और जिस तरह देखिए ये हकायक में जब पर्दा नहीं उड़ा सकते, और खूबसूरती यही से पर्दा नहीं उठा सकते, मैं कह रहा हूँ पर्दा उठाएं। हाँ तो पर्दा उठा ले, 1-2-3 हो रहा है, आप मुझे बताइए ना, आप भी तो उठाइए, आप मुझे बताइए कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, और जो कमांड आपके और शेयरिंग आपके पास है, और जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं, हमारा पैनल बात कर रहा है, और जिस तरह आपने पिंडी का जिक्र किया, कल के मैच का जिक्र किया, देखिए मैच में कारकर्दगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस मैच पे आता हूँ मैं साजिद भाई जरा मुल्तान वाले मैच पे, फिर कल क्वेटा वाले मैच पे भी मैंने आपसे बात करनी है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तौकीर खालिद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तौकीर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आप एक मरतबा फिर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। पूछ ले बिल्कुल जी जो अपने भाईजान को भी नहीं छोड़ते हैं साजिद भाई जी। वसीम भाई PSL में जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो है, तीन चीजें हुई है मेरी, एक यह है कि नंबर वन जैनब अब्बास, दूसरी और तीसरी भी जैनब अब्बास ही, क्योंकि देखिए जितना उसने ग्रूम कर लिया, वाहिद एक ऐसी शख्सियत है पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में जिसने ग्रूम किया, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरा मैं जो हूँ ये जो मेरे साथ है ना, अभी वक्त आने दें, देखेंगे आप इंशाल्लाह, हमारा शागिर्द भी देखिएगा, जिस तरह से वो पंजाबी बोलती हैं, जिस तरह से गल्ला कर दी हैं, और जिस तरह उर्दू बोलती हैं, जैसे उनकी अंग्रेजी जितनी ग्रूम कर आई हैं, दैट्स
क्रेजी। देखिए मेहनत भी बहुत थी, बहुत मेहनत थी, मैं जानता हूँ उसे। और जो उसके अलावा अगर आप ओवरऑल कैचेस की बात करते हैं पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, तो ड्रॉप होते दिखाई दिए, अच्छे कैचेस नहीं देखे गए, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी नहीं देखी गई, अच्छे शॉट्स नहीं देखे गए, ओवरऑल बॉलिंग का मैार वो नहीं लगा। तो पीएसएल ने कहीं ना कहीं ग्रूम भी किया, लेकिन इस जगह के ऊपर जहां पे लोग देखना चाहते थे मायूसकुन कारकर्दगी लगी। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। महबूब भाई, ये जैसे मायूसकुन कारकर्दगी कई हवालों से करार दी जा रही है, अगर मैं टॉप ऑर्डर देखता हूँ इसके अंदर, तो हमें बैटिंग के अंदर लूक रॉन्की दिखाई दे रहे हैं 242 रन किए हुए, जैसन रॉय 227 रन, ये दोनों हमारी टीम का हिस्सा नहीं होंगे जी बिल्कुल, जो इसने वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड T20 खेलना है, ये दोनों नहीं। कामरान अकमल ने 200 रन किए हुए, कामरान अकमल को हम लाना ही नहीं चाहते जो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इस वक्त परफॉर्मेंस का मेयार अपने प्लेयर्स का दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं तश्वीशनाक है। जी बिल्कुल, जो अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं बिल्कुल तश्वीशनाक है। और जब आप ये देखें, अगर कामरान अकमल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 200 रन फिर बना दिए, 200 प्लस रन, तो पिछले 5-4 सीजन से वही टॉप स्कोरर मोस्टली रहे हैं और ज्यादातर रन भी उन्हीं के हैं। तो जब हमारी पीएसएल करवाने का मकसद क्या है, हमारा पीएसएल का मकसद ये है कि इससे हमारे पास ऐसे प्लेयर्स ऊपर आए जिनको हम पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस में भाई टेस्ट खिलाएं लोगों को। जी बिल्कुल, ये खिलाएं। तो फिर क्या कामरान अकमल के साथ ये ज्यादती नहीं है कि अब जब वो हर सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये बात करना कि वो हमारे फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये तो एक प्लेयर के साथ नाइंसाफी है। लेकिन मैं ये कहूं कि वो तो विकेट कीपर बैट्समैन की तरह होता है, अगर हम उन्हें देखें तो एज ए विकेट कीपर तो वो अच्छे नहीं सामने नजर आ रहे। पेशावर जल्मी अभी जो लास्ट मैच हुआ उसमें उन्होंने गिराया, बैटिंग में तो वो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट क्योंकि पहले भी सवाल यही थे। जी बिल्कुल, कल के प्रोग्राम में तो कीर भाई ने बात की थी कि T20 में कितनी गेंदें पीछे आती है। मैंने की थी, हाँ आपने की थी, लेकिन अगर जो आए वो तो पकड़ लो, अगर वो गिरा रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा कैच था जो वो आराम से ले सकते हैं। अब वो शुरू से उनका ये रहा है कि उन्होंने कैचेस ड्रॉप करते रहे, इसी वजह से वो टीम से भी ड्रॉप। बिल्कुल, बात सारी यही हो रही है। और फिर आगा साहब कन्फ्यूजन प्लेयर भी रहे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवालात उठते रहे हैं, शायद एक वजह ये तो नहीं है कि हर सीजन में 1000 रन करने के बावजूद भी जगह नहीं बना पा रहे हैं। देखें, इसके ऊपर जो ना जिम्मेदारी आयद होती है हमारी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि वो आएं और खुलकर क्लैरिटी से बताएं कि क्या वजूहात हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट, व्हाई फवाद आलम को नहीं खिला रहे भाई, बताओ ना क्या है। इनसाइड रिपोर्ट्स हैं कि इनके खिलाफ कुछ है, कि इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है किसी तरह से, जो है ना। देखिए सामने तो लाओ, देखिए ना कंफ्यूजन ये, वो सबसे अच्छा खेल रहे हैं तो ये कौन तो चाहती है वही खेले ना। तो बीच में ये भी कह दिया कि ठीक है अपनी क्रिकेट खेलते रहो, डोमेस्टिक में लीग वगैरह खेलो यार, इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आने की जो है ना। ये तो शुएब मलिक के लिए भी पहले था, आपको याद होगा जो 100 लोगों की लिस्ट थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दी थी तमाम क्रिकेट बोर्ड को, उसमें शुएब मलिक का भी नाम था। मैं बोल के वसूख से कह रहा हूँ जी, वो तो खेल रहती है लिस्टें, जब लोग आते हैं फेवरिज्म हो जाता है, किसी को साफ चिट मिल जाती है, ड्राई क्लीन होके वापस आ जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लिस्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ भी तो हो जाती है ना बैठ के वर्ल्ड वाली करने में, वो भी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और जितनी बुके हैं वो सारी इंडिया से चल रही है। बिल्कुल, अभी जी तो ये तो ऐसे ही बस दिखाने के लिए होता है कि इस प्लेयर को ये कह दिया, फला को ये कर दिया, जिसको खिलाना है उसको जो है ना, चाहे उसके खिलाफ 100 सबूत भी हो वो जो है ना खेलेगा, कप्तानी भी करेगा, हर तरफ नजर आएगा। वेरा जिस प्लेयर के ऊपर कोई नहीं है तो फिर उसके लिए कोई भी बहाना बना के उसको बाहर किया जा सकता है। वर्ल्ड कप के अंदर हम उन्हीं प्लेयर्स को एक्सपेक्ट करें जो पहले खेल चुके हैं। तो फिर देखो बैटिंग फिर कौन करेगा, क्या ये एहसान अली करेगा बैटिंग, जिसको जो है ना सिर्फ क्रॉस मारने के अलावा कुछ नहीं आता, या खुशदिल करेगा, या जीशान अशरफ को आपने इतना जो है ना बड़ा चढ़ा गया। जीशान अशरफ, ये मैं इसी पे आ रहा था, इतना चढ़ाया उनको। जीशान अशरफ के बारे में कई क्रिकेटर्स हमारे शोज में आए, उन्होंने बात की कि ये लड़का खेल रहा है वर्ल्ड कप, हैदर अली है एक लड़का जो आपको निकल के नजर आया, लेकिन हैदर अली की बात भी इतनी जल्दी पकने से पहले ना तोड़ ले मेरा। देखा उसने बड़ा जबरदस्त 100 किया कराची के खिलाफ यहाँ पे ट्रॉफी में, 100 बहुत सारे लोग कर रहे थे, 90 सेंचुरियां बन गई इस दो नंबर की। यार उसमें तो मोहम्मद इरफान जूनियर ने भी 100 किया था 90 नंबर पे आके। बॉल तो देखिए आप कुकाबुरा का, वो भी फोर्थ ग्रेड का, कहने को इन्होंने जो है ना 1 अरब रुपए लगा दिया डोमेस्टिक सीजन के ऊपर, लेकिन बॉल फोर्थ ग्रेड का लगा रहे हैं। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन उस 100 में भी बहुत आला किस्म का 100 किया उसने जीशान अशरफ ने, मुझे बहुत इंप्रेस किया। मुझे लग रहा था कि ये लड़के के अंदर एक ऐसी चीज है कि जो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, लेकिन 1.50 के बाद वो जिस तरह से खेल रहा है
और जो उसका जो वे ऑफ गेटिंग आउट है वो यही है कि वो इंटरनेशनल लेवल के लिए अभी रेडी नहीं है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया और दोनों टीम्स को मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। बिल्कुल, लेकिन PSL खत्म नहीं हुआ है, आज 19वां मैच था, टोटल 34 मैच होने और अब इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहे हैं क्योंकि अब डिसीजन लिया जाएगा कि कौन आ रहा है प्लेऑफ में, तो फिर आप भी शो का हिस्सा बने। बिल्कुल, हम तो बात कर ही रहे हैं लेकिन हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, सो प्लीज कॉल अस ऑन 02134860893 एंड सेंड योर फैंटेसी टीम्स एट allout@metro1.tv। फैंटेसी टीम के बारे में भी आपको बताएंगे लेकिन आफ्टर द हेडलाइन, सो वी'ल बी हेडलाइन ब्रेक ले लेते हैं फिर, हेडलाइन अभी टाइम है। अच्छा चले, सो लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड डोंट गो एनीवेयर, वी'ल बी राइट बैक।